फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा, फिर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो समर के पापा ने लगता समर की मम्मी को एकदम से ही घर से भगा दिया है, इसलिए वो गांव ना जाके गुनगुन के घर में गई। मैंने आप लोगों से कल ही कहा था कि वो अपने गाँव जाने वाली नहीं है, क्योंकि शहर का एक बार हवा लग जाता है उसको गाँव कहाँ रास आता है। वो तो गुनगुन के घर में ही गई होगी दुखरा रोने, और गई जाते ही दुखरा क्या रोएगी, दुखरा रोने के पहले तो फन मारे आ गई ध्रुव की मम्मी, और यहाँ पे जीना हराम किया समर की मम्मी का, ये कह के कि यहीं से अभी के अभी निकलो, यहाँ तुम नहीं रह सकती हो। और तभी पहुंची गुनगुन। गुनगुन ने भी सुना और बात सुना दिया समर की मम्मी को। समर की मम्मी का कहना, मेरी बेटी का घर है और मैं यहीं पे रहूंगी, ये मेरा भी घर है। अरे हाँ भाई, मुझे समझ में आ रहा है, अब तो गुनगुन के पापा है, गुनगुन के पापा आकर तो फैसला करेंगे, और फैसला तो आपके हित में होगा समर की मम्मी, क्योंकि नई नई गर्लफ्रेंड जो बने हो तो कैसे आपको छोड़ देंगे अकेले अकेले, आप ही बताओ। तो यहाँ पे तो गुनगुन मैडम ने ध्रुव की मम्मी और समर की मम्मी दोनों को बात सुना दिया, पर यहाँ ध्रुव की मम्मी ने भी कह दिया, भाई मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं हुआ है, ये चाहती थी कि समर इसकी मुट्ठी में रहे और इसलिए इसने ये सब किया है। और यहाँ पे समर की मम्मी से तो अभी भी सच बात मुंह से निकला नहीं कि मैं अपने बेटे को अपने पास हासिल करना चाहती थी इसलिए मैंने ये किया। उनका तो अभी भी कहना है कि मैं सबको अच्छे से रहना देना चाहती थी इसलिए मैं ये सब कर रही थी कि सब अपने अपने जीवन में अच्छे से रहे। हाँ, कितना अच्छा सोचते हो समर की मम्मी, आप इतना अच्छा सोचते हो कि आप देखो ना, पिंक बैग से ब्लैक बैग में उतरा है, अब कपड़े भी चेंज हो गए। अरे वाह, रास्ते में चेंज कर लिए क्या, कोई बोतल वोटल में, या ऐसे ही चेंज भी नहीं से करते करते सीढ़ियों से चले आए। तो एनीवेज, अब देखना ये है कि गुनगुन के पापा आते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो आके यही कहेंगे कि आप दोनों बहन जी यहीं रहिए, आप दोनों ही रह सकते हैं यहाँ पे, पर यहाँ से समर की मम्मी तो जाने वाली नहीं है, बेशक आप जरूर चले जाओ ध्रुव की मम्मी, है कि नहीं, असली सास तो है ध्रुव की मम्मी, मगर असली सास रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं बनता गुनगुन के पापा को, पर समर की मम्मी जरूर वहां होनी चाहिए। अरे भाई, तभी तो बेटी आराम करेगी और वो कोल्हू के बेल की तरह अच्छा से काम वाम करके बेटी को देगी, बेटी जो है गुनगुन। तो चलिए, जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखते हैं आगे आगे होता है क्या।